एक आदमी का अंत समय नज़दीक आ गया था। वह रेगिस्तान के रास्ते पर अपने घर जा रहा था, तभी उसके पास यमदूत आ जाता है। वह आदमी यमदूत को पहचान नहीं पाता और उसे पानी पीने के लिए आमंत्रित कर देता है। यमदूत पानी पी लेता है, फिर पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तब यमदूत ने बताया कि मैं यमदूत हूँ और तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ। यमदूत ने कहा कि तुम भले आदमी लगते हो, तुमने मुझे पानी पिलाया है, अतः मैं तुम्हें भाग्य की पुस्तक देता हूँ। तुम इसे खोलकर अपना भाग्य बदल सकते हो, पर याद रहे तुम्हें सिर्फ 5 मिनट का समय मिलेगा। यमदूत ने वह पुस्तक उसे दे दी, पर इंसान तो इंसान होते हैं। जैसे उस आदमी ने उस पुस्तक को खोली, सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी का पन्ना खोल लिया। उसका खुशहाल जीवन देखकर वह ईर्ष्या से जल गया। उसने तुरंत अपनी कलम से उसके भाग्य में जितना बिगाड़ सकता था बिगाड़ दिया। इसी तरह उसने अपने अन्य पड़ोसियों व रिश्तेदारों के भाग्य बिगाड़ दिए। अंत में जब उसने अपना पन्ना खोला, तब तक 5 मिनट व्यतीत हो चुकी थी। जैसे ही 5 मिनट व्यतीत हो गई, तो यमदूत ने उससे वह भाग्य की पुस्तक छीन ली और उसे याद दिलाया कि तुमने अपना कीमती समय दूसरों की भविष्य बिगाड़ने में व्यर्थ कर दिए हैं, अब तुम्हें मरना होगा। कथा का एक यही उद्देश्य है, दूसरों का अहित करने में हम अपना बहुमूल्य समय गंवा देते हैं। बेहतर होगा कि इस समय को हम अपने हित में लगाएं।